हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का मैटर आपके चैनल के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, सारा मैटर आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीयर्स, आइडल टीयर्स, जिसके बीच में आपको आज कम्प्लीट समरी देखने को मिलेगी जो कि अल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो भी इसकी पोइम्स है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर का ये पहला टॉपिक है हमारा। पहले जो लोटस ईटर्स है वो अपलोड की जा चुकी है, उसको आप जाके जरूर देखें। द स्पीकर सिंग्स द बेसलेस इनएक्सप्लिकेबल टीयर्स दैट राइज इन हार्ट एंड पोर फोर्थ फ्रॉम हिज आईज व्हेन ही लुक्स आउट ऑन द फील्ड्स इन ऑटम एंड थिंक्स द पास्ट। अब होता क्या है, पोएम का जो नाम है वो है टीयर्स आइडल टीयर्स, कि आंसू जो है वो आंखों से बह रहे हैं बट ये नहीं पता कि क्यों बह रहे हैं, किस रीजन से बह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इसी चक्कर में आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं आंसू? क्योंकि वो अपने जो पास्ट टाइम है उसको याद करता है और उसके आंखों से क्या है, आंसू बहने लग जाते हैं। क्योंकि जब इंसान पास्ट के बारे में याद करता है, या फिर कोई व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो चुकी है, करंटली हो या पहले बीत गई हो, उसके बारे में याद करता है तो उसको क्या है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसके इमोशन बाहर आने लगते हैं। दिस पास्ट इज डिस्क्राइब्ड फ्रेश एंड स्ट्रेंज। कई बार ये जो हमारा पुराना पास्ट है उसको फ्रेश और अनदेखा बताया गया, या जिसको हम जानते नहीं है वो बताया गया। फ्रेश कैसे है, जैसे फर्स्ट बीम ऑफ सनलाइट दैट स्पार्क्स ऑन द सेल ऑफ ए बोट ब्रिंगिंग द डेड बैक फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। तो होता क्या, जैसे कि सूरज की कोई रोशनी धरती के ऊपर उस जगह पर पड़ रही हो, उस बोट के ऊपर पड़ रही हो जो कि मरे हुए व्यक्ति को वापस से ला रही है। एंड इट इज सैड दैट लास्ट रेड बीम ऑफ सनलाइट दैट शाइन ऑन बोर्ड दैट कैरीज द डेड डाउन टू द अंडरवर्ल्ड। अब होता गया, एक तो इसने सुबह के समय की बात किया कि सुबह की जब रोशनी आती है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई व्यक्ति जो मर गया था वो वापस आने की इच्छा कर रहा, और जो शाम का समय है उसमें क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति इस शाम की एक किरण के साथ खत्म हो रहा है या मर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कहता है, द स्पीकर देन रेफर द पास्ट एज नॉट फ्रेश, फ्रेश नहीं बताता है बट सैड एंड स्ट्रेंज, दुखीदायक और जिसे हम जानते नहीं है वो बताया गया है। इट रिसेम्बल्स द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स ऑन अर्ली समर मॉर्निंग्स एज इट साउंड टू दैट पर्सन। और सुबह के टाइम में जो पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी जो गाना गाते हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो मरे हुए लोगों के लिए वो गाना गा रहे हों। Who lies watching the gleaming square of sunlight as it appears through a square window? और मतलब कि वो सारी चीजें हम देखते हैं कहाँ से, एक स्क्वायर की विंडो है, मतलब कि एक डब्बेदार विंडो से हम क्या ये सारा दृश्य बाहर का देख रहे हैं जिसमें सनलाइट आ रही है और वो विंडो से प्रवेश कर रही है। इन द फाइनल स्टेज द स्पीकर डिक्लेयर द पास्ट टू बी डियर स्वीट डीप एंड वाइल्ड। तो जो इसका पास्ट है वो इसकी प्रिया के लिए, मतलब इसकी कोई बिलवड़ होगी उसके लिए, या प्रिया जो भी उसका रिश्तेदार है उसके लिए स्वीट अच्छी है, डीप गहरी है, और वाइल्ड मीन्स होता है जंगली है। तो इट इज एज डियर एज द मेमोरी ऑफ किसेस ऑफ वन हु इज डेड, मतलब कि इसकी जो बिलवड़ थी उसकी यादों के बारे में बता रहा है कि उसकी यादें मेरे साथ रहेगी जिसको आज याद करके मैं रो रहा हूँ। एंड इट इज स्वीट एज दोज किसेस दैट वी इमेजिन आवर सेल्व्स बेस्टोइंग ऑन लवर्स हु एक्चुअली हैव लॉयल्टीज टू अदर्स। मतलब कि उसकी जो पुरानी यादें हैं, जो उसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होता है उसके बारे में वो सोचता है और अपनी लॉयल्टी के बारे में बात करता है, उसकी और खुद की लॉयल्टी के बारे में बात करता है। सो टू इज द पास्ट एज डीप एज फर्स्ट लव, जैसे कि पहला प्यार जितना गूढ़ा होता है उसी तरह को उसका प्यार था। एज वाइल्ड एज द रिग्रेट दैट यूजली फॉलो द एक्सपीरियंस, और ये एक जंगली इस तरीके से है, ये बार बार उस एक्सपीरियंस को चाहता है। द स्पीकर कंक्लूड दैट द पास्ट इज ए डेथ इन ए लाइफ, मतलब कि जो भी हमारा पास्ट बीत गया है वो क्या है, एक तरह से हमारी लाइफ के अंदर एक डेथ को शो करता है जो कि अब कभी वापस में नहीं आ सकता। तो इसकी हिंदी समरी भी आप अगर देखना चाहे तो हिंदी समरी भी देख सकते हैं, और इंग्लिश समरी तो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ अगर इंग्लिश समरी देखना चाहते हैं तो ऊपर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।